सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पाव भाजी मसाले की। रिकैप देख लिया हाँ, और रिकैप अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए क्योंकि हमने पाव भाजी मसाले से पाव भाजी की रेसिपी कंटिन्यू करी है, क्योंकि ट्यूसडे को एडिट टेबल पर ये फैसला लिया गया था कि भैया ये एपिसोड 25 मिनट का हो रहा है, इसको दो में कर लो वरना लोग बहुत मारेंगे। पाव भाजी मसाले की रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपको वापस से मसाला बनाना है तो वो भी ईजी हो जाएगा। मसाले बनाने की बारीकियाँ और बाजार से कोई भी मसाला लेके उसको कैसे आप घर में क्रिएट कर सकते हैं, वो जानने के लिए आपको जाके टाइप करना पड़ेगा रणवीर ब्रार पाव भाजी मसाला। ठीक, कॉलिंग एंड एक्शन। हेलो जी, शुरू करें पाव भाजी का प्रोग्राम और ऐसी रेसिपी। क्या करें, मैं अभी इस तरीके सीख रहा हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग द वेज ऑफ यूट्यूब एंड डिजिटल कॉन्टेंट, है कि नहीं। देखो जी, कभी भी भाजी बनाए तो मुझे लगता है कि अगर मिनिमम उसमें कोई भी आपको तीन सब्जी डालनी है तो वो होनी चाहिए शिमला मिर्च, आलू और गोभी। ठीक है, ये मिनिमम है। फिर उसके बाद आप चाहे ऐड कर दीजिए भाई कलर के लिए गाजर मटर, लेकिन जो बेस है वो बेस यही है। ये पाव जब लग गया ना पाव, तो ऑटोमेटिकली डिश जो है वो मुंबई की हो गई, क्योंकि पाव का कल्चर जो पहले पोर्चुगीज थे वो छोड़ के गए मुंबई में। हाँ, क्योंकि पोर्चुगीज में ब्रेड को पाव बोलते हैं, पाओ बोलते हैं, फिर वहाँ से पाव बना। ब्रिटिशर्स ने उस ब्रेड कल्चर को आगे बढ़ाया, तो ब्रेड यानी कि पाव का जो कल्चर है वो टिपिकल मुंबई है। मुंबई का जो दौड़ता भागता कल्चर है ना, उसमें बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है। हाथ भी गंदे ना हो, चटकारा भी लग जाए और काम भी हो जाए। इनफैक्ट मुंबई का आप सारा खाना देखें, वो बना इसी तरह हुआ है कि पाव को जो है वो हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि हाथ ना गंदे हो बस। वड़े से हाथ गंदे ना हो तो इसलिए हमने बना दिया वड़ा पाव है। भाजी से हाथ गंदे ना हो तो इसलिए हमने बना दी पाव भाजी। पाव जो है वो कैरियर बन गया है कि हाथ गंदे ना हो, और ये हाथ गंदे ना होने वाला जो कल्चर है वो इसलिए बिकॉज सब लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे सूत की, कॉटन की। यहाँ पे हाथ गंदे होंगे, फिर वहाँ पे कपड़ा गंदा होगा, सूत का थान गंदा होगा, तो इसलिए फटाफट से खा के आ जाते थे हाथ साफ के साफ, और जो है अपना काम चलता रहना चाहिए। धूप छिड़न, किसका किसका फेवरेट गाना है नीचे लिखो ये कमेंट्स में, पता लगना चाहिए ना कि किसके किसके टेस्ट मैच होते हैं मेरे साथ। ये लो जी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टमाटर भी काट के एकदम रेडी कर दिए, ठीक है। नहीं नहीं, टेस्ट ले रहा हूँ मैं, बीच बीच में लेता रहता हूँ कि कौन कौन सो गया क्लास में। आलू है, टमाटर नहीं है ऑब्वियसली। तो ये मैंने ना पांच बड़े आलू लिए हैं, मीडियम से बड़े आलू। ये लो जी, गाजर भी गई, ये गया मटर, अभी गया नमक। अभी नमक थोड़ा डालना है, क्योंकि जब हम पाव भाजी मसाला टेस्ट करेंगे तो हमें पता है उसके अंदर थोड़ा नमक होगा। और बटर, बिकॉज पाव भाजी इज अबाउट थ्री थिंग्स, पाव भाजी एंड बटर। और पाव भाजी में जैसे पाव और भाजी के बगैर पाव भाजी नहीं बन सकती, वैसे बटर के बगैर पाव भाजी नहीं बन सकती। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार, और पाव भाजी बनाने के लिए आपको चाहिए पाव भाजी और बटर। ये तो करना ही था ना, मिस हो गया था ये मिस। बाद में नीचे कमेंटों में मेरी क्लास लग जाती, रणवीर वो क्यों नहीं किया। वो अपने आप को एडिट टेबल पे देख के बड़े मजे आते हैं मेरे को ना। अब मैं सबसे ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल तब होता हूँ जब खुद को एडिट्स में देखता हूँ। मुझे लगता है कितना बोलता है रणवीर यार। अच्छा, अभी इसमें क्या है, पानी बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए साहब, ढकने के एक पैसा ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी और डाल दे रणवीर, बड़ा ढक तो दे। तो जी, इसमें पानी इतना डालें कि सब्जी ढकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पानी, बिकॉज बाद में आप वो पानी सारा सुखाएंगे, सब्जी का बैंड बच जाएगा। यहीं पर पानी और मक्खन के अंदर जो सब्जी स्टू होती है ना, वही इसकी मोनोपोली। सब्जी जो है वो पानी भी पिएगी, मक्खन भी पिएगी साथ में। वैसे तो हो गई है, खुशबू से पता लग रहा है। नाइस, अभी सब्जी के अंदर से सब्जी की खुशबू आ रही है और बटर की खुशबू आ रही है, और सब्जी की खुशबू जितना बटर की खुशबू भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैश करना है इसको, मैश।
इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब्ज़ी को ओवर कुक कर लें, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल मैशी और पल्पी होनी चाहिए। जो कहानी है वो यही है कि बची हुई सब्ज़ी से किसी ने को ओवर कुक करके मैश करके और बना दी और पाव के साथ सर्व करी, जबकि मिल वर्कर्स जो हैं उनको बहुत कम समय होता था खाना खाने का। तो बची हुई सब्ज़ी को जो ओवर कुक करने वाली बेसिक फिलॉसफी है ना, उसको मेंटेन करना है। वरना क्या होगा, कुछ लोग ग्रेट करते हैं सब्जी, ये करते हैं वो करते हैं, वरना आप बनाने जाएंगे पाव भाजी, बन जाएगी कोई मिक्स वेजिटेबल और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था ओवर कुक करनी है तो करनी है फिर। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं रणवीर वो एकदम वो चौपाटी वाली पाव भाजी का एकदम लाल कलर कैसे आया? देखिए दो तरीके से आता है, एक तो आप कलर डाल दें, दूसरा आप इसके अंदर चुकंदर डाल दें। हाँ, जब आप बॉयल करते हैं सब्जी तो थोड़ी बीटरूट डाल दीजिए उसके अंदर, तो उससे वो फिर चौपाटी वाला लाल कलर आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका होता है जो ऑथेंटिक नहीं है, मैं जानता हूँ कि लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे, महाराष्ट्र के खासतौर कुछ लोग रंग के लिए पाव भाजी में वो मिर्च और लहसुन की चटनी डालते हैं। हाँ, मिर्च को सोख करके लहसुन के साथ पीस के उससे भी लाल रंग आता है। वो तवा पुलाव में पड़ सकती है, लेकिन पाव भाजी में मैंने वो चटनी पड़ते हुए बहुत जगह जहाँ जहाँ मैंने देखा है वो चटनी पड़ते हुए कहीं नहीं देखी है। तो अगर आपको रंग चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कहना कि ऑथेंटिक पाव भाजी में वो चटनी जाती है तो वो फिर एक अलग ही कॉन्वर्सेशन होगी। मुझे पता है नीचे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, लेकिन मेरे पेट में था, मैं क्या करूँ, निकल गया। दूसरी चीज़, जब पाव भाजी से बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, क्या था, अब तवा मिल गया आपको एक, और उस तवे पे अब आप सिर्फ पाव भाजी नहीं बेच सकते थे, तवा आपकी रियल एस्टेट है, वहाँ पर आपको और भी चीज़ें बनानी है, तब आपका मीज़ा प्लास जो है वो बढ़ने लग गया। तब आपके पास चावल आ गया मीज़ा प्लास में, कटी हुई सब्जी आ गई, कुछ मसाले आ गए और वो जो लहसुन की चटनी वो आ गई, ताकि आप एक तवे में से और वैरायटी और डिशेस कैसे निकाल सकें। मेरी जो फिलॉसफी है वो ये है कि पहली बार जब पाव भाजी बनी होगी तो शायद उसमें सिर्फ पाउडर्ड मसाला गया होगा, मिर्च लहसुन की चटनी नहीं गई होगी। वो जब हमने तवे को सेलिब्रेट किया और उसमें से बहुत सारी डिशेस निकालनी शुरू करी स्ट्रीट साइड में चौपाटी में, तब शायद वो चटनी उस मीज़ा प्लाज में आ गई। मेरा मानना ये लो जी, हो गया ना ब्यूटीफुल। देखिए पानी ज़्यादा डाल देते तो क्या हो जाता, फिर लस्सी बन जाती। लस्सी नहीं बनानी थी, पाव भाजी बनानी थी। अच्छा, अभी पाव भाजी बनाने के लिए आपको कढ़ाई या पतीला अगर आपके पास है तो कृपया ना लें, ऐसी कोई चीज़ लें जो फ्लैट हो। आपके घर में सबसे चौड़ा और सबसे फ्लैट बर्तन जो है वो निकाल लें, ठीक है, और उसमें पाव भाजी का मसाला बनाएं। पाव भाजी जो है तवे पे बनती है, तवे की कुकिंग की खासियत ये होती है कि सब कुछ एकदम से एक सरफेस के ऊपर पकता है फटाफट, जिसे हम बोलते हैं ग्रिडल फ्राइंग, स्टर फ्राइंग, वो वाला मेथड है, लॉन्ग कुकिंग का मेथड नहीं है तवा। अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, आधा बटर आधा तेल। आधा बटर आधा तेल क्यों? क्योंकि इतना तेज़ टेम्परेचर होता है बटर जो है वो जल जाएगा। और टेंशन मत लीजिए, इसमें जो आलू है और जो गोभी है वो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज, वो सारा बटर ऐसे पी जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, प्याज को सिर्फ बटर पिलाना है बस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तड़का नहीं मारना, और मैंने आपको बोला था एक भाग प्याज और डेढ़ भाग टमाटर, आप चाहें तो दो भाग टमाटर भी ले सकते हैं, उसमें डेढ़ भाग चॉप करके और आधा भाग जो है वो प्यूरे करके। अदरक लहसुन का पेस्ट, अब मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो फर्स्ट नहीं डाला, प्याज के साथ नहीं डाला, बिकॉज यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है अदरक लहसुन का भी पेस्ट, उसकी मिठास और नटीनेस निकालनी। अच्छा, अब मैं ना इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा नमक, नमक भी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मसाले में भी नमक है, सब्जियों में भी नमक है, जो हम बटर ठोक के डालेंगे बीच में उसमें भी नमक है। फैंटास्टिक, देखिए अभी अदरक लहसुन जो है वो पक गया है। अब मैं टोमेटो प्यूरे डाल रहा हूँ थोड़ी सी, मात्र रंग के लिए। ये टोमेटो प्यूरे जो है ताज़े टमाटर की प्यूरे है जी, ठीक है, आपने ताज़ा टमाटर लिया, आपने ताज़े टमाटर को मिक्सी में घुमा लिया, अगर आप छानना चाहें तो छान लें, नहीं छानना तो नो प्रॉब्लम। ब्यूटिफुल, अभी क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्याज की चंकीनेस और टमाटर की ताजगी का बैंड नहीं बजाना, उसको मेंटेन रखना है, इसलिए कुछ भी ओवर कुक नहीं करना। देखो जी ऑलमोस्ट डन हो गया, जब 20% जब बचा तब मैंने शिमला मिर्च डाली, बिकॉज शिमला मिर्च का जो टेक्सचर और टेस्ट आएगा वही इस पाव भाजी की मोनोपोली है। अभी देगी मिर्च, ठीक है, एंड लाइक आई सेड इफ यू वांट यू कैन ऐड अ लिटिल हल्दी, बट हमारे मसाले में है। अब आएगा रंग, देखिए ये, अब बटर, बटर का सिलसिला चलता रहना चाहिए, बटर ही इसकी मोनोपोली है।
अब ये मसाला आप देख लीजिए, ये मसाला आप समझ लीजिए। यहाँ पर आके मसाले की कहानी जो है वो ख़त्म है। आप देख रहे हैं प्याज मेल्ट हो चुका है लेकिन उसने अपना टेक्सचर नहीं छोड़ा है, प्याज जूसी है, बेल पेपर का मेन टेक्सचर है, टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो गया है, उसने इस मसाले को बॉडी दे दी। अब क्या करना है, अब इसमें पाव भाजी मसाला डालना है, थोड़ा अभी डालेंगे और थोड़ा भाजी के बाद। आहा वाह, हाँ वाह भाई वाह रणवीर ब्राड़, आज तुझे देख के लग रहा है कि तू मुंबई का हो गया है। देखो जी हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, नहीं तो ज़िंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताजी तो है। हाँ हाँ, नमक वमक देखें, मेरा प्रिय मित्र धनिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, उससे पहले मेरा प्रियतम मित्र बटर भी जाएगा। ओ फैंटास्टिक, बटर, पाव भाजी मसाला, थोड़ा पानी। एक तो हम नॉर्थ इंडियंस ये गलती करते हैं कि भरथा बना देते हैं पाव भाजी का, उसको गाढ़ा कर लेते हैं। पाव भाजी जो है पतली होनी चाहिए, लपटी लपटी, स्लॉपी अंग्रेजी में कहते हैं, कि मतलब आप कहीं भी डालें तो अपनी शेप ना पकड़े, वो बह जाए, फ्लैट हो जाए। जो टेक्स्चर है वो सिर्फ मसाले का टेक्स्चर है, सब्जियों का कोई टेक्स्चर नहीं है। एक चीज़ जो मैं पाव भाजी मसाले में करूँगा अपनी तरफ से वो ये कि अमचूर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ठीक है। जो भी रेसिपी थी उसमें ऐसे दो चुटकी अमचूर बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी खटास अमचूर की आएगी तो अच्छा है। बाद में आप नींबू तो डालेंगे लेकिन थोड़ी खटास अच्छी है। और मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये बिल्कुल नाम भर की 20 दाने शक्कर, ब्यूटिफुल। देखो जी अगर आप मक्खन का हिसाब लगा रहे हैं कि रणवीर कितना मक्खन डाल रहा है तो फिर आप मेरे दोस्त नहीं हैं और आप अच्छी पाव भाजी नहीं बना सकते, पहले ही बता दिया मैंने। यारी दोस्ती एक तरफ और मक्खन का हिसाब एक तरफ। पाव भाजी बनाते समय याद रखिए जितना इम्पोर्टेंट पाव है और भाजी है उतना ही इम्पोर्टेंट बटर है जी, सुन रहे हैं आपको, वरना आप लोगों को बुलाएंगे बोलेंगे आज पाव भाजी पार्टी करते हैं, बटर में कंजूसी कर जाएंगे, लोग आपका मुंह देखेंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था, धनिया मैंने डाल दिया है ये भी बताया था। पाव सेक लें, पाव दो तरीके से सेकेंगे, एक तो प्लेन और एक मसाला पाव। ये मसाला जो मैंने निकाल के रखा था पहले याद है आपको, बटर मेल्ट हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है। अब मसाला पाव के लिए ये मसाला, पानी का छींटा मारा और ये ब्यूटिफुल। ओए होए होए क्या लग रहा है भाई, सब्सक्राइब किया नहीं ना, मुझे पता था, मुझे पता था अभी भी नहीं करोगे मुझे पता है, और बेल आइकन तो दबाना ही मत बिल्कुल, नहीं सच में वो घंटी तो ऐसी है किसी काम की नहीं हो। एनीवेज ठीक रहो, आई एम आल्सो लर्निंग द वेज ऑफ सत्य वचन, आई एम आल्सो लर्निंग द वेज ऑफ यूट्यूब एंड डिजिटल कंटेंट।